आप लोगों ने एक सिस्टम के साथ में एक ही कंप्यूटर चलाया होगा, बट आज हम यहाँ पर करने क्या वाले हैं कि हम एक सिस्टम से ही यहाँ पर 10 से 15 कंप्यूटर चलाने वाले हैं। क्यों हिला डाला ना? इससे क्या फायदा क्या होगा, हमें हमारी इलेक्ट्रिसिटी बिल भी बचने वाला है और हमको परफॉर्मेंस भी अच्छा मिलने वाला है, क्योंकि हमारे पास जो मशीन है, हमारी जो सिस्टम है, वो काफी पावरफुल है। जहां पर 10 मशीनें अलग अलग काम करती थी, वहां पर ये एक ही मशीन सारे 10 कंप्यूटर को पावर सप्लाई करेगी और उनको ऑपरेट करेगी। तो इसी वीडियो में बने रहिए आप हमारे साथ में, हम आपको बताने वाले कि किस तरीके से एक ही मशीन से हम सारे 10 कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर पहले तो आप समझ लेते हैं हमको चीजें क्या क्या जरूरत पड़ने वाली, क्योंकि हमको 10 कंप्यूटर जोड़ना है। तो सबसे पहली बात, आपके पास सिस्टम जो होगा वो पावरफुल होना चाहिए। जो हमारे पास में जो मशीन है, एक सिस्टम है, हमारा ये i5 9th generation का प्रोसेसर डाला हुआ है इसके अंदर, और Asus का मदरबोर्ड लगा हुआ है। साथ ही इसमें 8GB का रैम है और रैम भी DDR4 टाइप का लगा हुआ है, जिसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा होती है प्रोसेसिंग के लिए। और साथ में हमने यहाँ पर हार्ड डिस्क की जगह पर SSD लगाया हुआ है। जिसको नहीं पता है कि SSD क्या होता है, वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में जाके जरूर देख लीजिएगा। SSD एक्चुअली क्या होता है, बहुत ही फास्ट स्टोरेज डिवाइस होता है, जहां पर डाटा ट्रांसफर बहुत हार्ड डिस्क से 10 गुना ज्यादा स्पीड से डाटा ट्रांसफर होता है। वही बात करेंगे अब इनको जोड़ने के लिए, हमें हर एक LED को जोड़ने के लिए हमारे पास में एक VDI राउटर होता है। इससे ही हम सारे कंप्यूटर को आपस में जोड़ेंगे। ये VDI जो होता है, जो हमारे जो एक सर्वर होता है हमारे पास, ये सर्वर में सारे पोर्ट्स होते हैं जिसके अंदर हमें लैन केबल का यूज करेंगे, और इन लैन केबल को यूज करके एक एक करके सारे सारे VDI में लगाएंगे, और ये VDI को हर एक कंप्यूटर के ऊपर हम चिपका देंगे, ताकि उससे आउटपुट हो जाए और सारे के सारे कंप्यूटर जुड़ जाए। और इसमें मेन सिग्नल जो आएगा हमारा यहाँ पर हमारे सिस्टम से आएगा। तो सिस्टम सिग्नल हम सर्वर में डालेंगे, सर्वर में केबल एक लगाएंगे, एक से ये वाले VDI में जाएगा, ये एक कंप्यूटर को ज्वाइन करेगा। ऐसे हमारे पास जितने कंप्यूटर जोड़ने हैं उतने हमारे पास VDI बॉक्स होना जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पर ये कंप्यूटर जो है लगभग 15 कंप्यूटर्स को आराम से जोड़ देगा ये सिस्टम। तो आप इजीली कर सकते हो। हमारे साथ हमारी टीम बैठी हुई है, जैसे हमारे साथ में विकास सर बैठे हुए, हमारे विजय सर बैठे हुए हैं जो कि हार्डवेयर के एक्सपर्ट है, उन्हें ज़्यादा नॉलेज इन चीज़ों के बारे में। यहाँ पर हमारे विकास सर बैठे हुए जिनको यहाँ पर टाइपिंग के काफ़ी नॉलेज है, और मैं यहाँ पर आपको पता ही है कि मेरा नाम है बुल्ला, रखता हूँ खुल्ला, बस थ्योरेटिकल पढ़ाता हूँ, कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें समझाता हूँ यहाँ पर। चलिए अपन देखते हैं प्रोसेस की होने वाला क्या क्या है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि सारे के सारे कंप्यूटर हमने यहाँ पर लगा दिए हैं, और सारे के सारे वर्किंग कंडीशन में, किसी के लिए भी हमने अलग से यहाँ पर सिस्टम नहीं लगाया हुआ है, सिर्फ हमने मॉनिटर कीबोर्ड ही जोड़े हुए हैं। जो सारे VDI बॉक्स थे उनके अंदर हमने सारे ही कंप्यूटर्स को कनेक्टेड कर दिया है। कैसे कनेक्ट कराए, देखो गए, ये हमारा मेन सिस्टम होता है जिससे सारे के सारे कंप्यूटर यहाँ पर चल रहे हैं। यहाँ पर क्या हुआ है, हमने ये जो लैन, ये जो हमारा सर्वर होता है, यहाँ से हमने क्या करा है कि जो लैन केबल होती है, एक को हमने कनेक्ट करा है हमारे मेन स्टेशन से, जिससे कि सारे के सारे सिस्टम को हमने यहाँ पर, आप देख रहे हो ये एक जाल बन चुका है एक तरीके से। तो ये वायर्स हमने यहाँ पर सारे के सारे जो VDA बॉक्स है, जो आपने बताया था आप लोगों को, ये जो बॉक्स है, जो VDA बॉक्स है, ये हमने सभी जगह पर लगाए, हर एक सिस्टम के अलग अलग लगाए, ये इसके लिए अलग है, हर एक के लिए अलग अलग लगाए। और एक्चुअली ये काम कैसे कर रहा है गाइस, इसको मैं आपको थोड़ा सा पास से दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए गाइस, सर्वर से जो हमारा है ये लैन केबल, एक हमारा इसके अंदर बैठा हुआ है VDI के बॉक्स के अंदर, और इसके अंदर देखो आपको USB के लिए भी ऑप्शन मिलता है, जिसमें मैंने कीबोर्ड माउस के यहाँ पर USB लगा के रखी हुई है, और ये हमारा मॉनिटर का जो VGA केबल होता है ये लगा के रखा है, और ये हमने यहाँ पर इसको पावर दे के रखा है, मतलब इस डब्बे को, VDI बॉक्स को हमने पावर दे के रखा है। तो ये एक्चुअली हमें देखे तो छोटा सा कंप्यूटर जैसा वर्क कर रहा है, सिस्टम जैसा वर्क कर रहा है, जो कि हमारे मॉनिटर के लिए पावर सप्लाई, आउटपुट सप्लाई कर रहा है, और हमारे कीबोर्ड माउस को भी चला रहा है। तो ये हमारा डिस्प्ले, कीबोर्ड माउस, ये देखिए सब सब चल रहा है रनिंग में, आप यहाँ पर देख सकते हो सारा का सारा वर्किंग चल रहा है।
तो गाइस देखा आप लोगों ने कैसे एक सिस्टम ने सारे कंप्यूटर को चला दिया, जैसे कि एक दानवीन कर्ण करता है, एक ही सिस्टम सबको बांट दिया। ऐसे गाइस आप लोगों को भी सभी को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, भाई ने बोला करने का तो करने का, और वीडियो को लाइक करके जरूर जाएगा। बहुत मेहनत लगी है, इतना काम करने में हम थक गए, पसीने में हालत खराब है, तो प्लीज यार लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।